साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। प्राचीन इतिहास के प्रैक्टिस सेट में आज हम जो सॉल्व करवाएंगे वो है संगमकालीन दक्षिण भारत। संगमकालीन दक्षिण भारत, देखिए यह जो चैप्टर है छोटा चैप्टर है, इसमें कुल 18-19 प्रश्न मिलेंगे जो इसमें महत्वपूर्ण हैं। बाकी इसके बाद जो चैप्टर है, जैसे कुछ लोग सोचेंगे 18-19 क्वेश्चन ही संगमकालीन दक्षिण भारत में है, देखिए आगे जो चैप्टर इसमें सॉल्व करवाएंगे वह है पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत। उसके अंतर्गत पल्लव, चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट इन राजवंशों को अध्ययन करेंगे, सॉल्व कराएंगे। तो इसमें जो संगमकालीन साहित्य है, जो प्रमुख है इसमें रचनाएं हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो साथियों आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो बटन होती है बेल आइकन उसको दबा दीजिए और कमेंट करके बताइए। उसके बाद प्रैक्टिस बैच में फिर राजनीति विज्ञान के अंतर्गत इसमें भारतीय संविधान का अध्ययन किया जा रहा है, साल पेपर। तो जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको बहुत अच्छे तरीके से व्याख्या करके सॉल्व करवाया जाता है, बस हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो आइए फिर इसमें आज सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न है संगमकालीन दक्षिण भारत में, वो है कि संगम साहित्य में गंधर्व विवाह हेतु शब्दावली मिलती है। देखिए पहला ऑप्शन इसमें है वह है पंचतिलई, दूसरा है पेरुंदई, तीसरा है खड़िंतई और चौथा है अष्टतिलई। इसमें आपको बताना है कि संगम साहित्य में कौन सी शब्दावली है जो गंधर्व विवाह हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, देखिए इसमें जो पंचतिलई है यही है जिसमें गंधर्व विवाह हेतु शब्दावली प्रयोग की जाती है। अब कुछ इसके विषय में और जानकारी आपको दे दें। देखिए जो तुलक्का पीएम है, जो संगम साहित्य है में वर्णित है कि दक्षिण में विवाह को संस्कार के रूप में आर्यों ने स्थापित किया। इसमें विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख हुआ है। जो प्रमुख विवाह है अगर उनकी चर्चा करें तो कैकिड़ई है, ठीक है, कैकिड़ई है जिसे एक पक्षी प्रेम विवाह कहा जाता है। उसके बाद पेरुंद्री नाई है जिसे सर्वमान्य विवाह कहा जाता है। उसके बाद ये पंचतिलई है जिसे प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए कुछ शब्द इसमें फर्स्ट टिपिकल होंगे, आपको समझना होगा बहुत ध्यान दे करके। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए जो दूसरा प्रश्न है, संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन या बंदरगाह था। ऑप्शन देखिए पुहार है, दूसरा मुचिरिस है जिसे मुचिरिस भी कहा जाता है, तीसरा तोंडी है, चौथा नेलकिंडा है। इसमें आपको बताना है कि संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन कौन था। ठीक है, ठीक है, इसमें जो आपका उत्तर है वह है पुहार। जो पुहार है वो संगम युग में प्रमुख पत्तन के रूप में स्थापित था। तो देखिए जो संगम युग में पुहार है इसे कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, यह चोलों का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। तो इस तरीके से अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए जो तीसरा प्रश्न है वह है कि संगम युग में चोल शासकों की राजधानी थी। ऑप्शन देखिए पहला वज्ज एवं तोंडी, दूसरा है मदुरई, तीसरा है उरैयूर एवं अरकाट, उसके बाद कोरकई। इसमें आपको बताना है कि संगम में चोल शासकों की राजधानी कौन सी थी।
देखिए इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है उरे उर एवं अर्काट, ठीक, या इसे उरगपुर एवं अर्काडो भी कहा जाता है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें और आपको हम व्याख्या करके बताएं, एक मिनट सॉरी। तो इसमें देखिए जो चोलों की राजधानी थी, इसमें जो उनकी प्रारंभिक राजधानी थी उत्तरी मनलूर एवं उरैयूर थी, ठीक है, बाद में इनकी राजधानी बदल करके पुहार या कावेरीपत्तनम हो गई, ये चोलों की राजधानी थी। ठीक है, इनका जो प्रतीक चिन्ह है चोलों का वह था बाघ, क्या था बाघ। उसके बाद देखिए जो चेर है, जो चेर राजवंश है उसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वह थी वज्र, जो यहाँ पे वंजी है यही थी चेरों की राजधानी। ठीक है, और जो इनकी दूसरी राजधानी थी ये थी तोंड, ये प्रारंभिक राजधानी ये फर्स्ट थी और ये इनकी दूसरी राजधानी थी चेरों की। ठीक है, तो जो इनका प्रतीक चिन्ह है वह था धनुष, चेरों का प्रतीक चिन्ह था धनुष। ठीक है, और जो पांड्य थे इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी कोरकई, यह थी पांड्य की राजधानी। ठीक है, यह जो कोरकई है यह पांड्य की राजधानी थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने बाद में अपनी राजधानी मदुरई को बनाया था। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी पांडवों की कोरकई थी और जो बाद में इन्होंने अपनी राजधानी बनाया वह थी मदुरई। ठीक है, जो इनका प्रतीक चिन्ह है वह मछली। ठीक है, चलिए इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने आपको बता दी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न चार पर कि पत्तनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ऑप्शन देखिए अहनानूर में, दूसरा है शिल्पाधिकारम में, तीसरा है तोलक्का पीएम में और चौथा है मणि मेखलय में। इसमें आपको बताना है कि पत्तनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है बी ऑप्शन शिल्पाधिकारम में। ठीक है, देखिए शिल्पाधिकारम में कनंगी पूजा जिसे पत्नी पूजा भी कहा जाता है को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। जो शिल्पाधिकारम है इसके लेखक का नाम है इलंगो आदिगल। ठीक है, जो एक जैन संप्रदाय से संबंधित थे, चेर शासक, एक चेर शासक है सेन गुट्टुवन, उन्हीं के शिल्पा जो इलंगो आदिगल थे उनके भाई थे। ठीक है, क्योंकि ये जो शिल्पाधिकारम है इसे तमिल भाषा का इलियर भी बोला जाता है। ठीक है, महाकाव्य। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या पांच है कि कुरल का रचयिता कौन था। पहला तिरुवल्लुवर है, दूसरा करिकाल, तीसरा मुरुगन, चौथा तुलक्का पीयम। इसमें आपको बताना है कि कुरल जो रचना है उसके रचयिता कौन है। ठीक है, देखिए इसमें जो आपका उत्तर होगा वह है तिरुवल्लुवर। जो तिरुवल्लुवर है ये कुरल जो साहित्य है इसी के रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखें कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम के अंतर्गत की जाती है। इसे तमिल साहित्य की बाइबल कहा जाता है तथा इसे पंचम वेद की संज्ञा भी दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा कुरल के विषय में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या छः है। तो इसमें देखिए दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता
करने वाले तमिल विद्वान थे। तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें है कि अगस्त ऋषि, दूसरे थे तुलक्का पियर, तीसरे हैं नकीरत और चौथे हैं शीतले सत्यनाथ। इसमें आपको बताना है कि दक्षिण भारत में जो तीसरा संगम साहित्य संगम आयोजित हुआ था उसकी अध्यक्षता किस तमिल विद्वान ने की थी। ठीक है, देखिए इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है नक्कीरर। तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान का नाम है नक्कीरर। ठीक है, देखिए संगम में जो संगम है उसका आशय क्या है, संगम से आशय तमिल कवियों के संघ से था। संगम का जो संगम शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग नयनार अप्पार ने किया था। कुल तीनों संगमों का आयोजन पांड राज्य में हुआ था। ध्यान दीजिएगा जो तीनों संगम हुए आयोजित की गई थी ये तीनों पांड राज्य में आयोजित हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए जो पहला संगम आयोजित हुआ वह कहाँ हुआ, वह मथुरा में मदुरई में आयोजित हुआ। कहाँ पे, मदुरई में आयोजित हुआ। अब इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे अगस्त ऋषि। ठीक है, और जो दूसरा संगम आयोजित हुआ वह हुआ था कपाटपुरम में, जिसे अलोवे कहा जाता है। ठीक है, कपाटपुरम या अलोवे। ठीक है, उस स्थान पर दूसरा संगम साहित्य जो दूसरा संगम विद्वानों की जो कमेटी थी वहां पे आयोजित हुई। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अगस्त ऋषि, पहले के भी थे और दूसरे के भी थे। ठीक है, देखिए जो तीसरी संगम आयोजित हुई वह हुई थी उत्तरी मदुरई में। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे नकीरत। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है अध्यक्षता की बात की जाए तो पहले और दूसरे में अगस्त ऋषि थे, तीसरे में केवल नकीरर थे। अगर स्थान की बात की जाए पहले और तीसरे में जो आयोजित हुआ था जिस स्थान पर वह थी मदुरई, बस केवल तीसरे में उत्तरी मदुरई की बात की गई है। जो दूसरी संगम में गठित की गई थी आयोजित हुई थी वह हुई थी कपाटपुरम में या अलवई में, बस इतने ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए साथ पे तमिल कवियों की तीसरी संगम की पीठ कहाँ आयोजित हुई थी। यहाँ पे देखिए अभी हमने बताया था तो कहाँ पे हुई थी, तीसरी ध्यान दीजिएगा तीसरी थी उत्तरी मदुरई। यहाँ पे मदुरई दिया है लेकिन यहाँ पे आप उत्तरी लगा सकते हैं, कभी कोई प्रश्न पूछ लेगा। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 पर। यहाँ पे देखिए ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी का क्या स्रोत उपलब्ध है। पहला ऑप्शन पुराण है, दूसरा खुदाई है, तीसरा संगम साहित्य है, चौथा वेद है। इसमें आपको बताना है कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी का स्रोत का उपलब्ध है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा वह है संगम साहित्य। संगम साहित्य में ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ठीक है, जो जितने भी संगम साहित्य हैं सब के सब तमिल भाषा में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, अभी हमने बताया तो लिखा गया है तमिल भाषा में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखा यहाँ पे दिया प्रश्न संख्या 10 में तुलक्का पीएम की विषय वस्तु क्या थी। तुलक्का पीएम की विषय वस्तु क्या थी, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हुआ है धर्म, दूसरा है राजनीति, तीसरा है दर्शन, चौथा है व्याकरण एवं कविता। तो इसमें आपको बताना है कि जो तुलक्का पीएम है उसकी विषय वस्तु क्या थी, उसकी जो विषय वस्तु थी जो आपका उत्तर होगा वह है व्याकरण एवं कविता। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए दूसरे संगम का ये दूसरे संगम जो आयोजित हुआ था कपाटपुरम में, वहां पे इसकी रचना हुई थी। दूसरे संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलक्कापियर जो रचनाकार हैं, उनकी जो रचना है वह है तोलक्कापियम है, जो कि प्राचीन उपलब्ध संगम साहित्य से माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब 11 देखिए, तो यहाँ पे दिया है तोलक्कापियम एक ग्रंथ है, ऑप्शन भाषा विज्ञान का दूसरा, व्याकरण का तीसरा, कथा का चौथा, उच्चारण का। इसमें आपको बताना है कि तोलक्कापियम का जो ग्रंथ है वह है, तो अभी हमने बताया या किसकी थी, व्याकरण एवं कविता से संबंधित थी, अर्थात जो दूसरा है व्याकरण का, यही आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 12 है, तो इसमें है संगम युग में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था, ऑप्शन ओर्रई, दूसरा उरकावलर, तीसरा है आसान, चौथा है अमच्चर। इसमें आपको बताना है कि संगम युग में गुप्तचरों को किस नाम से जाना जाता था। ठीक, तो यहां पे देखिए जो आपका उत्तर होगा वह है ओर्रर। ठीक है, जो ओर्रर है यही गुप्तचरों को संगम युग में इसी नाम से जाना जाता था। ठीक है, देखिए जो अमच्चर होते थे, ये जो यहाँ पे अमच्चर शब्द है, ये भी एक प्रकार के संगम युग में मंत्री पद का पद हुआ करता था। ठीक है, एक मंत्री हुआ होते थे। जो ओर्रई है इसे वय भी कह सकते हैं, इसे कहा जाता है वय। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है संगम युग के महाकाव्य कौन से हैं, तो ऑप्शन देखिए, पहला कुरुंथोके, दूसरा शिल्पाधिकारम, तीसरा कुरल दिया है, और चौथा मणि मेखलय। तो इसमें आपको बताना है कि संगम युग के महाकाव्य कौन से हैं। ऑप्शन देखिए, कूट दिया है, एक और तीन है, दूसरा दो तीन है, तीसरा दो और चार है, चौथा एक दो तीन और चार है। ठीक है, तो बताइए इसमें, देखिए इसमें जो संगम युग के महाकाव्य हैं वो शिल्पाधिकारम है, उसके बाद मणि मेखला है, अर्थात दूसरा और चौथा जो ऑप्शन है आपका, यही जो सी वाला ऑप्शन, यही आपका उत्तर सही होगा। देखिए इसमें संगम युग के कुल 5 महाकाव्य थे, पहला शिल्पाधिकारम है, दूसरा मणिमेखलय है, तीसरा जो महाकाव्य है वह है जीवक चिंता मणि, जो चौथा है वह है वलय पति, और जो पांचवा है वह है कुंडल केश। ठीक है, ये 5 महाकाव्य संगम युग में थे। ठीक है, देखिए जो शिल्पाधिकारम है इसके जो लेखक हैं, अभी हमने बताया इसके लेखक हैं इलंगो आदिगल, जो मणिमेखलय है इसके जो लेखक हैं वो मदुरई के एक अनाज व्यापारी थे जिनका नाम था शीतलय सत्यनार, शीतलय सत्यनार इनका नाम था। जो जीवक चिंतामणि है इसके लेखक एक जैन भिक्षु हुआ करते थे जिनका नाम है तिरुवत्त देवर इनका नाम है। ठीक है, इस तरीके से कुल 5 महाकाव्य में यही 3 जो हैं वो उपलब्ध हैं। ठीक है, जिसे जो वलय पति है और जो कुंडल केश है ये दोनों महाकाव्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि संगम साहित्य से किन दक्षिण भारतीय राजवंशों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ऑप्शन देखिए,
चोल, राष्ट्र और पल्लव। दूसरा है चालुक्य, कदम और चोल। तीसरा है पांड्य, आंध्र, काकतीय और चौथा है चोल, चेर और पांड्य। इसमें आपको बताना है कि संगम साहित्य से किन दक्षिण भारतीय राजवंशों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, इसमें आपका जो उत्तर होगा आसान प्रश्न है, तो इसमें चोल, चेर और पांड्य का जो राजवंश है इन संगम साहित्यों से उसके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पे संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारतीय तीन राजवंशों जो चोल हैं, चेर हैं, पांड्य हैं, इनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। संगम साहित्य से सर्वाधिक जानकारी चेर राज्य की होती है। संगम साहित्य में केवल चेर शासकों के ही क्रमबद्ध वंशावली प्राप्त होती है। संगम कवियों ने चेर शासकों की प्राचीनता महाभारत युद्ध से जोड़कर किया है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने बताई, तो जैसे अभी हमने बताया था जो पांड्य हैं, जो पांड्य राजवंश था उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, मछली है। जो चेर है इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, धनुष है। और जो चोल हैं उनका प्रतीक चिन्ह क्या है, बाघ है। ठीक है, उसके बाद एक भी हमने और आपको बताया कि जितने भी संगम आयोजित हुए थे विद्वानों के द्वारा वो सब के सब पांड्य राज्य में आयोजित हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो तीनों संगम आयोजित हुए उसमें पहले और दूसरे में जो अध्यक्षता की थी वो थे अगस्त ऋषि, तीसरे के नकीरन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित 15 है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया है अरसर, जिसे शासक और कहा जाता है। दूसरा मल्लवर, दस्यु, इनियर, शिकारी। और चौथा दिया है बेनिगर, चर्मकार। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह है बेनिगर या चर्मकार। बेनिगर जो थे उसे चर्मकार नहीं कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लें। देखिए संगमकालीन सामाजिक जीवन में शिकारियों की जाति जो थी, जो शिकारी होते थे उनकी जात क्या थी, इनियर थी। ये शिकारी जो थे उनकी जात इनियर थी। जो चर्म का काम करने वाले थे, ये जो चर्मकार हैं इन्हें कहा गया पेरियार। ठीक है, चर्मकार को पेरियार कहा गया। ठीक है, चर्मकार को पेरियार कहा जाता था, ना कि बेनिगर कहा गया। ठीक है, अब देखिए लूटपाट करने वाले को दस्यु कहा गया। देखिए यहाँ पर जो मल्लवर होते थे इनका काम था लूटपाट करना। ठीक है, मल्लवर, उसके बाद एवं शासक वर्ग को असरर कहा जाता था। देखिए जो बेनिगर होते थे वो व्यापारियों का, ये जो आपके बेनिगर हैं ये क्या थे, व्यापारी थे। ठीक है, जो बेनिगर थे वो व्यापारी हुआ करते थे। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण चीजें थी हमने बताई। चलिए प्रश्न संख्या अगले पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है। ऑप्शन देखिए करिकाल, दूसरा गजमुख, तीसरा नेरुजलियन, चौथा है कुलोत्तुंग। इसमें आपको बताना है कि संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है। कि इसमें आपका जो उत्तर होगा वह है करिकाल। करिकाल का नाम यहाँ पे संगम साहित्य में प्राप्त होता है। तो देखिए करिकाल के विषय में दिया है कि शिल्पाधिकारम में उल्लेख हुआ है कि चोल शासक थे,
चोल शासक करिकाल ने हिमालय तक सैन्य अभियान करते हुए वज्र, मगध और अवंत राज्यों को जीत लिया था। ध्यान दीजिएगा, जो करिकाल थे उन्होंने वज्र है, मगध है और अवंत, उत्तर भारत के इन तीन राज्यों को उसने विजय प्राप्त किया था। देखिए यहाँ पे नीलकंठ शास्त्री जो इतिहासकार हैं, करिकाल के नाम का जो अर्थ उन्होंने बताया है, जिनके पैर झुलसे हों। जो करिकाल है इसका जो अर्थ है, इस अर्थ में इसका जो अर्थ निकल के आया है नीलकंठ शास्त्री के अनुसार, कि जिसका पैर झुलसा हुआ हो। ठीक है, देखिए करिकाल जो थे इन्होंने पुहार या कावेरी पत्तनम की स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, 17 पर। यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला जो ऑप्शन है वह है तृतीय संगम का स्थान मदुरई है, ये तो सही है। और दूसरा दिया है शिल्पाधिकारम में कोवलन एवं कनंगी की कथा है, ठीक, देखिए ये भी आपकी सही है। उसके बाद मणिमेखलय है, उसके जो रचनाकार हैं उसका पूछा गया है, ठीक है। देखिए यही आपका सही नहीं है। देखिए प्रथम संगम के काल का ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, ये भी आपका सही, अर्थात जो आपका उत्तर सही होगा वह सी ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मणिमेखलय है इसके जो रचनाकार हैं वो थे शीतलय सत्यनाथ। जो शीतलय सत्यनारायण हैं वो मणिमेखलय के रचनाकार हैं, न कि यहाँ पे सिमुख है। जो शीतलय सत्यनारायण थे वो एक अनाज व्यापारी हुआ करते थे। देखिए यहाँ पे जो प्रथम संगम के काल का ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है, तो अभी हमने आपको सबसे पहले बताया था, इसके पहले बताया है कि जो पहला संगम साहित्य प्राप्त होता है वह दूसरे संगम साहित्य में शीतलय सत्यनार जो शिल्पाधिकारम है वो प्राप्त होती है। ठीक है, इलंगोवादिकल की जो व्याकरण की पुस्तक है ये की प्राप्त उसमें हुई। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अगला प्रश्न है वह प्रश्न संख्या जो पीछे छूट गया था, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न संख्या जो 9 है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो है कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए जो तमिल भाषा है उसी में संगम साहित्य लिखा गया है। ठीक है, देखिए इस तरीके से जो संगम साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमने बताई, तो हमें लगता कि इसके बाहर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाता है ना ही जाएगा, तो इतना आपके लिए पर्याप्त है। बाकी अगले प्रश्न में हम आपको जो पल्लव हैं, चालुक्य हैं, राष्ट्रकूट हैं, चेर हैं, इसके विषय में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको सॉल्व करवाएंगे, तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।